आज हम हुक का नियम जो पढ़ा था, प्रत्यास्थ डोरी में जब तनाव बल होता है तब उसकी सरलावृत्ति का अध्ययन किया था। उसमें हमने सीखा था किसी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव बल उसके एकांक लंबाई में प्रसार के बराबर होता है, समानुपाती होता है। यह हम पढ़ चुके हैं हुक के नियम में। आज हम उस पर कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है, एम द्रव्यमान का एक कण एक चिकने मेज पर स्थित, जहाँ भी चिकना शब्द आता है घर्षण बल नहीं होता, तो एक चिकने मेज पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली सरल रेखा पर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से गतिशील है, गतिमान है, और वह इन बिंदुओं के प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है, जिसका प्रत्येक का तनाव संतुलन की दिशा में टी है। सिद्ध कीजिए कि एक दोलन का समय 2π√mLL′/L+L′ × t, जबकि L तथा L' डोरियों में स्वाभाविक लंबाई के अतिरिक्त विस्तार हैं। शुरू में कण को जैसे पहन लिया, दो डोरियों से बांध करके प्रत्यास्थ डोरियों से उनको खींच करके दो स्थिर बिंदुओं से बांध दिया गया। दोनों डोरियों को खींच दिया गया तो दोनों में विस्तार भी हुआ, तो स्वाभाविक लंबाई हम दोनों डोरियों की ए और ए डैश मान लेते हैं, और उनमें जब खींच करके और बांध दिया गया दोनों बिंदुओं से, उस समय दोनों डोरियों के विस्तार दिए हुए हैं। दोनों डोरियों में विस्तार क्रमशः एल और एल डैश हैं। तो ये पहला जो चित्र है इसको देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि जब खींच करके एक सिरे को ए बिंदु से बांध दिया और दूसरे सिरे को इधर बी बिंदु से बांध दिया, अब ओ ए की जो लंबाई है वो खींचने के बाद की लंबाई है, तो इसमें हमने स्वाभाविक लंबाई ए मानी है और विस्तार इसमें एल है, तो जो दिया हुआ है तो इसकी कुल लंबाई ओ ए तक की ए प्लस एल हो गई। इधर लेफ्ट साइड में ओ से बी तक की जो दूसरी डोरी है, इस डोरी के अंदर विस्तार तो एल डस है और स्वाभाविक लंबाई यदि हमने ए डैश मानी है तो इसकी ओ बी कुल लंबाई ए डैश प्लस एल डैश हो गई। और इस समय इस ओ बिंदु पर तनाव बल इधर टी लगेगा और इस साइड में टी लगेगा, जो साम्यावस्था है उस समय दोनों डोरियों में तनाव बल बराबर लगेगा। यदि बराबर नहीं लगेगा तो जिधर तनाव बल ज़्यादा होगा कण उधर, ये एम द्रव्यमान का कण ऊपर है, ये उस साइड में गतिशील हो जाएगा, इसलिए साम्यावस्था में स्थिर है, इसलिए दोनों डोरियों में तनाव बल समान है। माना दोनों डोरियों के प्रत्यास्थ मापांक हैं लेमडा और लेमडा डैश हैं। तो देखिए, साम्यावस्था में तनाव बल पहली डोरी के अंदर विस्तार एल है और स्वाभाविक लंबाई ए है, इसलिए तनाव बल बराबर लेमडा इंटू एल अपॉन ए। दूसरी डोरी के लिए विस्तार एल डैश है, स्वाभाविक लंबाई ए डैश है, इसलिए टी बराबर लेमडा डैश इंटू एल डैश अपॉन ए। और साम्यावस्था में दोनों दिशाओं में दोनों डोरियों में तनाव बल समान होने के कारण से, और जो दे रखा है, इसलिए टी बराबर लेमडा एल अपॉन ए बराबर लेमडा डैश एल डैश अपॉन ए डैश, इसको हमने समीकरण नंबर एक कह दिया। अब माना कण को एक की तरफ थोड़ा खींच करके और फिर छोड़ा जाता है। अब हमने साम्यावस्था में कण को ओ बिंदु से पकड़ा और थोड़ा एक की तरफ खींच लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में टी समय बाद में मान लीजिए वो किसी बिंदु पी पर पहुंचता है। दूसरा चित्र देखिए, एक की तरफ खींच करके हमने कहीं से छोड़ दिया उसको, तो वो किसी समय पी बिंदु पर पहुंचता है, उस समय ये बहुत ही छोटा सा विस्तार रहेगा, इसमें खूब बड़ा दिखा रखा मैंने, तो छोटा सा विस्तार एक्स जो होगा वो उस डोरी में है। तो इस स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो पी बिंदु पर जब कण होगा तो जो ओ बी लंबाई वाली डोरी है उस डोरी में तो एक्स विस्तार बढ़ जाएगा, और जो ओ ए लंबाई वाली डोरी थी, ओ ए जो लंबाई की कुल लंबाई वाली जो डोरी है जो विस्तार सहित, उसमें विस्तार एक्स कम हो जाएगा, यानी एल जो विस्तार था वो तो एल माइनस एक्स हो जाएगा और एल डैश जो विस्तार था वो एल डैश प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये टी टाइम पर इसकी स्थिति होगी। इस स्थिति में मान लीजिए पी बिंदु पर इधर तनाव बल जो ओ बी दिशा है, इधर तनाव बल टी टू लग रहा है और ओ ए दिशा में तनाव बल टी वन लग रहा है, तो निश्चित रूप से टी टू
ओबी डोरी के अंदर विस्तार बढ़ गया, उसके कारण है तो तनाव बल बढ़ गया, तो टी टू ज्यादा है और टी वन कम है, इसलिए पी बिंदु पर जो कण है वह ओ की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ओ की तरफ तनाव बल ज्यादा है और इसलिए रिजल्टेंट जो है परिणामी तनाव बल वो टी टू माइनस टी वन होगा। टी टू माइनस टी वन होगा तो गति का समीकरण उसका आएगा एम एक्स डबल डॉट बराबर टी टू माइनस टी वन, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि अब जो इसकी नेचर है जब ये बिंदु पी पर है तो कण ओ की तरफ बढ़ेगा तो एक्स घटेगी और जब दूरी घटेगी एक्स, इसलिए नेगेटिव साइन, इसलिए आगे हम हल करें एम एक्स डबल डॉट बराबर हो गया टी वन माइनस टी टू। टी वन, टी वन कौन सी डोरी में तनाव बल है, ओ ए डोरी के अंदर है, ओ ए डोरी में विस्तार कितना हुआ एल माइनस एक्स, स्वाभाविक लंबाई कितनी है ए, प्रत्यास्थ मापांक है लेमडा, इसलिए तनाव बल टी वन का मान हो गया लेमडा इंटू विस्तार एल माइनस एक्स और बटा ए। टी टू बराबर डोरी ओ बी के अंदर जो ओ बी दिशा वाली जो डोरी है उसमें विस्तार कुल कितना है एल डैश पहले था और एक्स और कर दिया तो इसलिए विस्तार हो गया एल डैश प्लस एक्स, स्वाभाविक लंबाई ए डैश है तो एकांक लंबाई में विस्तार हो गया एल डैश प्लस एक्स बटा ए डैश, प्रत्यास्थ मापांक से गुणा कर दिया तो तनाव बल आ गया। दोनों टी वन और टी टू के मान पुट कर दिए, थोड़ा हल किया तो ये दो लेमडा एल अपॉन ए लेमडा डैश एल डैश अपॉन ए ये एक नंबर समीकरण से दोनों बराबर होने के कारण से कैंसिल और अब जो बच गया वो आ गया एम एक्स डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा अपॉन ए प्लस लेमडा डैश अपॉन ए इंटू एक्स, अर्थात एम एक्स डबल डॉट बराबर टी अपॉन एल प्लस टी अपॉन एल डैश। समीकरण एक से दोबारा हमने लेमडा और लेमडा डैश हमने माना था इसलिए उनके मान पुट कर दिए। समीकरण एक से लेमडा बराबर आ गया ए टी अपॉन एल और जब हम यहाँ ए टी अपॉन एल रखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा टी अपॉन एल। इसी तरह से लेमडा डैश का मान पुट करेंगे तो आ जाएगा टी अपॉन एल डैश। एक्स कॉमन ले लिया और एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास ये टर्म आ गई, एम का हमने भाग लगा दिया एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये कॉन्स्टेंट है जहाँ म्यू बराबर ये जो कॉन्स्टेंट टी इंटू एल प्लस एल डैश अपॉन एम इंटू एल एल डैश और ये सरल आवर्त गति का समीकरण हो गया, इसलिए इसका आवर्त काल जो होगा एक दोलन का जो समय आएगा वो होगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू और 2 पाई अपॉन जिसको हमने म्यू माना है उसका भाग लगा दिया रूट के अंदर तो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि एक दोलन का समय बराबर 2 पाई अंडर रूट एम एल एल डैश अपॉन टी इंटू एल प्लस एल डैश और यही सिद्ध करना था। चलिए दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर दो, एक प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक लेमडा तथा स्वाभाविक लंबाई ए है का एक सिरा चिकनी क्षैतिज मेज के एक नियत बिंदु से बंधा गया है तथा दूसरा सिरा एक कण दूसरे सिरे पर एक कण जो कि मेज पर है तथा जिसका द्रव्यमान एम है से बांधा गया है। द्रव्यमान एम वाले कण को इतना खींचा गया कि डोरी का विस्तार बी हो जाता है और तब उसे छोड़ दिया जाता है। गति के लक्षण का वर्णन कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक संपूर्ण दोलन का आवर्त काल 2 इंटू पाई प्लस ट्वाइस ए अपॉन बी इंटू रूट ए एम अपॉन लेमडा होगा। सॉल्यूशन, माना ओ ए स्वाभाविक लंबाई है जो ए है तथा कण को ओ ए दिशा में बी तक खींच करके छोड़ा जाता है जहां ए बी डोरी में विस्तार बी हो जाता है बी है जो दिया गया है। माना कण किसी समय टी पर पी बिंदु पर पहुंचता है। देखिए जरा चित्र को समझते हैं कि प्रारंभ के अंदर ओ से ए स्वाभाविक लंबाई डोरी है दे रखी है, डोरी की स्वाभाविक लंबाई ए है तो ओ से ए तक डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। अब कण को ए से बी तक खींच दिया जाता है तो ये डोरी में विस्तार आ गया और ये विस्तार हमें डोरी का दे रखा है बी विस्तार प्रारंभ में और उसके बाद में कण को छोड़ दिया जाता है। कण का चूंकि विस्तार कर दिया तो तनाव बल चालू हो गया ए की तरफ और जब तनाव बल चालू हो गया तो कण बी से ए की तरफ बढ़ेगा। बी पर कण का वेग शून्य है और बी से ए की तरफ बढ़ेगा तो माना किसी समय टी पर वह बिंदु पी पर पहुंचता है जिसका विस्तार जो है या ए से दूरी एक्स है। जिस समय टी समय पर कण पी बिंदु पर पहुंचता है कण की ये जो डोरी है उसमें विस्तार एपी है जिसका मान एक्स है। अब कण को बी से छोड़ने पर वो कितर तनाव बल के कारण गति प्रारंभ करेगा जहां गति का समीकरण आएगा एम एक्स डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा इंटू एक्स अपॉन ए, चूंकि इस समय पी पर विस्तार बराबर एक्स है
और एक्स में स्वाभाविक लंबाई का भाग देकर के लेमडा प्रत्यास्थ मापांक से हमने गुणा कर दिया तो ये तनाबल आ गया। और तनाबल चूंकि इधर लगता है ओ की तरफ तो दूरी एक्स घटेगी इसलिए नेगेटिव साइन है। और अब हो गया एम से डिवाइड करने के बाद में एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन ए एम एन टू एक्स लेमडा अपॉन ए एम को एक बार म्यू मान लेते हैं तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स है जहां पर म्यू बराबर लेमडा अपॉन ए एम और ये एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। आगे बढ़ते हैं एक्स डबल डॉट को वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखा दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू इन टू एक्स डी एक्स उधर ले गए और हमने मान लिया कण जब बिंदु बी से चल करके और ए पर पहुंचता है तो बी पर कण का वेग जीरो है और ए पर जब पहुंचता है तो मान लिया कण का वेग वी ए हो जाता है तो इंटीग्रेशन करें समाकलन की सीमा हम लगा देते हैं बी से कण की बी से ए तक की गति का हम ए तक की गति हम देखते हैं तो बी से ए पर पहुंचने पर जीरो से मान लीजिए कण का वेग वी ए हो गया लेकिन बी पर कण की दूरी जो विस्तार है जो दूरी है ए बी वो बी है और जिसका मान ए पर पहुंचने पर शून्य हो जाता है तो देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी जीरो से वी ए वी डी वी बराबर माइनस बी टू जीरो माइनस म्यू एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस म्यू एक्स डी एक्स चूँकि जब कण बी पर होता है तो ये एक्स का मान बी होता है और ए पर जब पहुँचता है तो एक्स का मान जीरो हो जाता है हमने इंटीग्रेशन किया वी स्क्वायर बाई टू लिमिट पुट कर दी वी ए स्क्वायर बाई टू इधर एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा लिमिट पुट करेंगे पहले जीरो फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा म्यू बी स्क्वायर बाई टू टू कैंसिल हो गया इसलिए वी ए बराबर आ गया बी रूट म्यू। अब देखिए जब कण बी पर बी से रवाना होकर ए पर पहुंचता है तो डोरी का ए पर विस्तार शून्य हो जाता है बी से ए ए पर आते ही ओ ए लंबाई डोरी की स्वाभाविक लंबाई है इसलिए डोरी में विस्तार शून्य हो जाता है और विस्तार शून्य हो जाने के कारण कण द्वारा वी पर प्राप्त वेग वी ए से जो कि अचर वेग है इससे ए डैश से ए डैश तक जहां ए ए डैश बराबर टू आई से है से गति करेगा। देखिए इधर चित्र में हम देखें तो जब कण का वी ए वेग है ए बिंदु पर और विस्तार इसमें बंद हो गया तो तनाबल जीरो हो गया और अब वह कण जो है ए से लेकर ए डैश तक डोरी अपने स्वाभाविक लंबाई में रहेगी या ढीली रहेगी तो उस स्थिति के अंदर जब कण ए से ए डैश तक जाएगा कण की अचर वेग के कारण से गति होगी और वो अचर वेग है वी ए उस वेग से कण ए से ए डैश तक चलेगा और ए से ए डैश तक चलने के बाद में उस वेग से ही कण बी डैश की तरफ आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा डोरी में विस्तार चालू हो जाएगा और विस्तार जैसे जैसे बढ़ेगा तनाव बल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे तनाव बल बढ़ता जाएगा तो ये तनाव बल इस स्थिति में प्रतिरोध का काम करेगा उसकी गति को कम कर देगा और जब कण बी डैश पर पहुंचेगा तो उसका वेग जीरो हो जाएगा। अब कण वेग तो जीरो है लेकिन तनाव बल चालू है इसलिए कण ए डैश की तरफ वापस बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो ए डैश पर आते आते कण का वही वी ए डैश वेग हो जाएगा जो पहले था और उसके बाद में उस अचर वेग के अधीन गति ए तक करेगा लेकिन ए के बाद में जैसे ही बी तक जाएगा कण की फिर से तनाव बल बढ़ना चालू हो जाएगा और बी पर आते आते वेग शून्य हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कण ए बी से ए व पुनः ए डैश से बी डैश तथा लौटते वक्त बी डैश से ए डैश व ए से बी तक तनाव बल के अधीन गति होगी जिसका समीकरण एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स है जो समीकरण एक है वह होगा और इस स्थिति में इसके एक दोलन का समय टी वन बराबर टू पाई पोन रूट में बराबर टू पाई रूट एम ए पोन लेमडा होगा। तनाव बल के अधीन जो गति होगी उसका दोलन जो एक पूरा होगा उसका टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट एम ए पोन लेमडा आएगा परंतु ए से ए डैश और पुनः लौटते वक्त ए डैश से ए तक अचर वेग जो वी ए है उसके अधीन गति होगी। अचर वेग वी ए से कण ए से ए डैश व पुनः ए डैश से ए डैश से ए तक गति करेगा जो कि टू इंटू ट्वाइस ए दूरी की होगी यानी फोर ए दूरी होगी जिसे तय करने का समय यदि टी टू मान लिया जाए तो टी टू बराबर होगा फोर ए अपॉन वेग समय बराबर दूरी बट्टा वेग अचर वेग के अधीन। तो ये वेग जो है था उससे हमने डिवाइड कर दिया रूट म्यू का वापस मान रख दिया दो समीकरण से और अब हमारे पास ये जो अचर वेग के अधीन गति होगी उसका समय आ गया जाने का और वापस आने का अतः
कण के संपूर्ण एक दोलन बी से बी डैश व पुनः बी डैश से बी तक वापस लौटने, बी से चला वापस लौट करके बी तक आया, उसको हम संपूर्ण दोलन कहेंगे, जो दो टुकड़ों में गति होगी आदि तनाव बल के अधीन और आदि अचर वेग के अधीन। तनाव बल के अधीन गति का जो समय निकाला टाइम पीरियड वो ऊपर यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 3 में है, और अचर वेग के अधीन जो गति का समय निकाला वो इक्वेशन 4 में है। अब दोनों T1 और T2 दोनों समय को जोड़ देंगे हम तो ये पूरे एक दोलन का समय आ जाएगा, और वह एक दोलन का समय आएगा 2π√mA/λ प्लस 4a√mA/λ×mA/λ। एक 2 कॉमन आ गया जिसको लेफ्ट में ले लिया, रूट एम ए पोन लेमडा को राइट में ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास पाई प्लस 2 ऐसे पोन भी बचा, और यही सिद्ध करना था। थैंक यू।